तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बाहर निकलने का तो मौका ही नहीं मेरा, क्योंकि आपको भले ही थोड़ा अजीब दिख रहा होगा क्योंकि मैं अंदर बाहर रहता, फोन मेरा गीला हो जाएगा, पर एक्चुअली ना रियल में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और इसके वजह से ये जो छाता नीचे गया ये भी टूट के ना हवा में ना इसकी हालत खराब हो चुकी है। तो अभी क्या बोलेंगे, बहुत बारिश हो रही है, बाहर निकलने का मौका बिल्कुल बहुत मतलब मिल ही नहीं रहा है क्योंकि बाहर मेरे को काम से जाना था, पर मैं क्या बोलूं। और चलिए थोड़ा मैं आपको बैक कैमरा करके ना अच्छे से दिखाता हूँ बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, गाड़ी फिर भी चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और रुकिए मैं बाहर करता हूँ फोन, थोड़ा सा गीला ना हो जाए, इसमें पानी पड़े से बाहर नहीं कर सकता, पर आप इधर से देख सकते हैं बहुत तेज से बारिश हो रही है। कमेंट करके बताना गाइस आपकी जहाँ जहाँ है वहाँ पर कितनी कितनी बारिश हो रही है, एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। देखते हैं मैं सुबह पूरा फुल रेडी होकर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ बस का इंतजार और बस फिलहाल आ नहीं रही है, तब मेरे को मैक्सिमम आधा घंटा हो गया यहाँ पर खड़े हुए। और आपको तो पता है कहाँ जा रहा हूँ, बस ब्लॉग में बने रही, एंजॉय कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि इस ब्लॉग में क्या होने वाला और क्या क्या नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बस आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मिलते हैं आपको बाद में। तो फाइनली दोस्तों मैं बस में बैठ चुका हूँ और देखते हैं मैं जो बस की पीछे वाली सीट में बैठा हूँ और ये बस देखते हैं थोड़ी बीच में जहाँ पर कुछ लंच वगैरह मतलब सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने के लिए कुछ वहाँ पर रुकी थी। तो दोस्तों देखते हैं मैं स्टेशन में पहुँच चुका हूँ और आप लोग लोकेशन तो देख सकते हैं और चलेंगे आगे के, दिखाते हैं आपको आगे का लोकेशन और क्या क्या होगा, कैसे कैसे करके होगा और कैसे करके हम चढ़ेंगे, देन पूरा वीडियो आपको इस ब्लॉग में मिलेगा, एंजॉय कीजिए। देखते रहिए गैस अपना चापा से अपना बेंगलोर तक का सफ़र, यानी यशवंतपुर तक का सफ़र, तो एंजॉय कीजिए। तो फाइनली दोस्तों मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, मैं क्या बोलूँ कुछ बोल ही नहीं सकता कि इतना ज़्यादा भीड़ है, फिर भी मेरे को सीट मिल चुकी है और आप देख सकते हैं ऊपर बैठा हूँ। फाइनली गाइस यशवंतपुर, ओ यशवंतपुर पहुंच चुके हैं और देखो आगे का नज़ारा, आगे चलते हैं कहाँ चलेंगे देखने को मिलेगा आपको, वीडियो बने रही, एंजॉय कीजिए।